खगड़िया जिले के राम कुमार दास अरुणाचल प्रदेश के चांगलोंग जिले में क्यूपो ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में ऑपरेटर के पद पर काम कर रहे थे। राम कुमार दास का NSCN उल्फा ने पिछले साल 20 दिसंबर को अपहरण कर लिया था। इस बीच उल्फा की ओर से अपहृत राम कुमार दास का एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें श्री दास अपने रिहाई की अपील कर रहे हैं। मैं राम कुमार, घर बहादुरपुर, थाना अलौली, डिस्ट्रिक्ट खगड़िया, बिहार का निवासी हूँ। मैं किपो ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का एक कर्मचारी हूँ। मुझे इस कंपनी से हुआ संकट के लिए मुझे NSCN और अल्फा IA 1 महीना से बंदी बना के रखा है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूँ कि आप असम के मुख्यमंत्री जी से बात करके मेरा रिहाई का व्यवस्था कीजिए। इस घटना की पुष्टि करते हुए खगड़िया के प्रभारी जिलाधिकारी शत्रुंजय मिश्र ने बताया कि श्री दास के अपहरण के बाद जिला प्रशासन उनकी रिहाई के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। काम करते हैं चाय बगान में, उनका अपहरण हो गया। कथित रूप से उल्फा उग्रवादियों के द्वारा अपहरण किया गया है। इस बात की जानकारी हम लोगों को हुई। यद्यपि ये मामला तो घटनास्थल चामलिंग जिले में पड़ता है और लोकल विधि व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे जिले का होने के नाते हमारी सारी संवेदनाएं, हम लोगों ने उसके सेफ रिकवरी की खातिर वहां पर जिला प्रशासन से संपर्क किया, मौखिक रूप से भी टेलीफोनिकली संपर्क किया और पत्र के माध्यम से भी संपर्क किया। वहां भी जिला पदाधिकारी काफी पॉजिटिव हैं और छापेमारी करा रहे हैं। उन्होंने विभाग से भी और पत्र के माध्यम से भी हम लोगों को अवगत कराया कि दो दो जगह वो प्राप्त सूचना के अनुसार छापेमारी कराए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। लास्ट चांस वो म्यांमार बॉर्डर के पास में देखा गया है। सूचक ने बतलाया कि हाँ वो है, अलाइव है और संपर्क में है। फिर से हम लोगों ने 18 तारीख को एक चिट्ठी उन लोगों को लिखी है, मैंने जिला प्रशासन चामलांग को लिखे हैं कि उसके बाद से क्या अपडेट आया है, उससे हम लोगों को भी अवगत करा दे रहे हैं। श्री दास के परिजन अपहरण को लेकर चिंतित और परेशान हैं। वे लगातार प्रशासन से श्री दास की रिहाई की गुहार लगा रहे हैं। कोई कुछ खबर नहीं है, आप लोग जग रहे हैं कि मेरा पति को जल्द से जल्द ढूंढ के ला दे। बेटा के लिए